सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 9 बजे से, और आज का मौसम जो है बहुत ही सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है। मम्मी ने हमेशा की तरह चिड़िया के लिए दाना डाल रखा है यहाँ पे, ये देखिए। आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है, फिर मैं अपनी मम्मी की मदद करने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, लगे हैं सफाई करने पर। अब लगाएंगे हम आलू, बहुत सारे आलू लगाने हैं आज हमने। आप वीडियो में बने रहना कैसे लगाते पहाड़ों में आलू। आज हमने जो है आलू लगाने हैं, और वो भी परसों तो हमने थोड़ा आलू ही लगाए थे, मतलब 2-3 किलो ही लगाए थे। आज हमने लगाने हैं 9-10 किलो आलू की मेड़ बनानी है। और मम्मी ने देखिए यहाँ पे आलू बाहर पे रख रखे हैं, और देखिए यहाँ पे एक टब भी निकाल रखा है। आलू काटेंगे इसमें और इसमें डालेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आज हम बड़ी क्यारी बनाएंगे आलू की। मम्मी ने कुछ आलू इस टब पे काट रखे हैं, ये देखिए, और कुछ आलू यहाँ पे हैं, तो इनको काटेंगे अब। और पहाड़ों में ना आलूओं को जब लगाते हैं तो ऐसे काटा जाता है, ये देखिए। ऐसे तिरछे में काटे जाते हैं आलू लगाने के लिए। हाँ, तो ऐसे तिरछे में काटे जाते हैं आलू, और ये देखिए आलू के बीज हैं जो ये फाटा मार्केट से लाए हम, तो ये लगाने हमने। अगर वो नहीं खाएंगे सुंगा। बस बस मेरा मेरी माजी सुने ली बेदौलू लगोली, मेरा बुबा सुना ला काले वो बाणोला। बस बस में लुड़ी मेरा मैं की तेरी, मेरी माजी सुने ली काले वो बाणोली। बस बस में लुड़ी मेरा मैं की तेरी, मेरा बुबा सुना ला आंगड़ी सी लोला। पहले के जमाने के बोलते थे गढ़वाले में कि अगर मेरी माँ जी सुन ली तो कले बना ली, मेरा बुआ जी सुना ला तो आंगड़ी बना ला, ऐसे बोलते थे गढ़वाली में पहले के जमाने के लोग। तो मैंने बोल एक लाइन में भी बोल दी थी। दोस्तों ये आलू लगते हमारे यहाँ फागुन और चेत के महीने लगते ये आलू, 2 महीने क्योंकि यहाँ जल्दी लगाते हैं। मेरे ऊपर मेरी माँ के में मेरे माई के में लगाते हैं चेत के महीने, अच्छे होते हमारे पहाड़ों में। पहाड़ों में आलू लगाने का भी महीना होता है, जो महीना है फागुन और चेत के महीने आलू लगाया जाता है पहाड़ों में। और मम्मी बोली है कि मेरे मायके में चेत के महीने ना मम्मी, चेत के महीने आलू लगाया जाता है। जब तक मम्मी आलू काटती है तब तक मैं गौशाला जाती हूँ, और गाय को जो है मैंने पीना देना है। सुबह मैंने भैंस को दे दिया था पीना, तो मैं गाय को ले जा रही हूँ अब पीना। मैं अपनी गौशाला भी पहुँच गई हूँ, और ये देखिए हमारी गाय भैंसे जो है मैंने सुबह ही निकाल दी थी, मतलब थोड़ी देर पहले ही निकाली थी जब धूप लग गई थी हमारे यहाँ। और मैंने ना गाय को पतीली में पीना भी दे दिया है यहाँ पे, और भैंस को सुबह में दे दिया था। और मम्मी देखिए आलुओं को यहाँ नीचे सगोड़े पे ले जा रही है, वो भी ऊपर सिर में उठा रखा है टफ। मेरे पास है ये कंडी हो गई, और ये स्वेल्टी, और हाथ पे है दराती, तो मैंने ये ले जाना है नीचे सगोड़े पे जहाँ हमने आलू लगाने हैं, वहीं से हमने घास भी काटना है। और हमारे सगोड़े जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है, ये देखिए। और ये है गेट, और यहाँ से जाएंगे हम अंदर, और मम्मी चले गई है अंदर, और अब मेरी बारी है अंदर जाने की। मैं आपको यहाँ से खूबसूरत खेतों के नज़ारे दिखाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मम्मी ने इस टब पे देखिए इतने फुल आलू ला रखे हैं, और ये देखिए 2 कुदाले ला रखी हैं, और ये टोकरी। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमने ये ऊपर वाली मेड़ लगाई आलू की, और कुछ लगाए हम यहाँ नीचे। और देखिए हमने सुअरों के लिए कैसे बाड़ कर रखी है यहाँ पे साड़ी और चुन्नी से। पहले मुझे ना इस खेत के मतलब जो ये सगोड़ा बना रखा है यहाँ तक, हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने ये गेहूँ काटने हैं घास के लिए। मैंने गेहूं को काट के भी इस स्वल्टी में भर दिया है, ये देखिए स्वल्टी में भी भर दिया है मैंने। और यहाँ से काटा मैंने गेहूं को यहाँ तक, और तब तक देखिए मम्मी ने पीछे से 2 कंडी गोबर की भी डाल दी है, ये देखिए 2 कंडी डाल दी है, और मम्मी उधर भर रही है गोबर को, ये देखिए।
और हम इस खाद का उपयोग करेंगे। ये देखिए बारीक खाद जो बहुत ही अच्छी होती है सगोड़े के लिए हो गया और खेतों के लिए। मम्मी ने इस सगोड़े में पूरा गोबर भी फैला दिया है और मम्मी देखिए यहाँ पे वो कर रही है खुदाई कर रही है, जो खरपतवार है उसको निकाल दी है मम्मी। पूरे सगोड़ी की खुदाई कर दी है और खरपतवार भी निकाल दिया है हल्का हल्का। अब हम बनाएंगे मेड़। दोस्तों थकाई भी लग गई, हाथों पे छाली भी पड़ गए उधार से। अभी आलू नहीं लगे, अब आलू लगाएंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको आप लोगों को कैसे लगते हैं आलू। हमने आलू की मेड़ भी बना दी है और अब हम लगाएंगे आलू। आलू ऐसे लगाए हमने, जो तिरछे काट रखे ना वो ऐसे लगाए हम ऐसे, इस पर तब वो आएंगे कलियां आ जाएंगी ऐसे लगाएंगे। मम्मी ने आलू की मेड़ पे एक एक आलू भी लगा दिए हैं। अब हमने वो करनी है, वो मिट्टी जो है उसके ऊपर से डालनी है। हमने यहाँ पे इतनी आलू की मेड़ बना दी है, ये देखिए। जो आलू बच रखे हैं मम्मी उनको प्याज के बीचों बीच लगा रही है। और आलू की मेड़ बनाते बनाते 12 भी बज गई है और मैं चलती हूँ घर। अब मम्मी ने बोला कि तू घर जा, तब तक मैं थोड़ा सा आलू लगाती हूँ यहाँ प्याजों के बीचों बीच। तो दोस्तों मैं चलती हूँ घर और मैंने पीठी पे लगा रखी है स्पर्टी, ये मैंने डालनी है भैंस के पास। इसमें घास है तो मैंने घास डालना है भैंस के पास। स्पर्टी का जो भी घास था वो मैंने गाय भैंसों के पास डाल दिया है। और आजकल पहाड़ों में ना आलू लगे जाते हैं सगोड़े पे, तो आजकल पहाड़ों की महिलाएं सब आलू लगाने पर लगी होंगी। तो आज हमने भी आलू लगा दिए हैं कुछ, मतलब सब लगा दिए हैं आज हमने आलू। और ना मेरी तबीयत भी हल्की ख़राब हो रही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।